हे दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस व्लॉगिंग चैनल पे। अच्छा, मैं एक बुक पढ़ रहा था, ठीक है। ये क्वेश्चंस आर द आंसर्स। मेरे मामा के यहाँ से मेरी अम्मी दो बकरियाँ उठा लाई हैं और ये बस बेवजह चिल्लाती रहती हैं। यहाँ पर हैं ये और ये बस चिल्लाती रहती हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं एक बुक पढ़ रहा था, क्वेश्चंस आर द आंसर, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर में मुझे एक चीज़ मिली, ये, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसका स्क्रीन पे दे दूंगा इसको, तो आपको बताना है कि ये लिखा क्या हुआ है, ठीक है। इंग्लिश के लेटर्स हैं, ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है ये आपको बताना है। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा ये कैसे पढ़ेंगे आप इसको, ठीक है। यार ये बहुत ज़्यादा चिल्ला रही मेरी बकरियाँ, ज़रा मैं आपको इनसे मिलवा दूँ। क्या है, कैमरे में घुस जाओ, घुस जाओ कैमरे में। ये मेरा हाथ ही खा रही है अब मुझे। क्या क्या ये क्या, अभी नहीं चिल्ला रही है। और एक दूसरी वाली है यहाँ पे, कुछ बोलो, कुछ सुना दो, एबीसीडी सुना दो बाबू। ये दूसरी वाली कैमरे के पीछे से ये वायर का वायर, माइक्रोफोन का वायर काट रही। ये माइक्रोफोन सूंघ रही है कि क्या है क्या है ये। अरे अरे, मेरा वायर ना काटना जी। तो अभी अभी कॉल आ रहा है, मेरी बहन और मेरी अम्मी जो है वो मॉल में गई हैं, वहाँ पे उनको लोवर पसंद आया है दो, उन्हें एक लेना है और व्हाट्सएप पे मेरे भेजी हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इंटरनेट है नहीं, ये मसला हो गया। तो अभी मैं अपने दोस्त को बुलाने वाला हूँ जो जस्ट मेरे घर के बगल में है, तो मैं उससे हॉटस्पॉट लेने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, ऊपर जाऊँगा, उसको छत पे बुलाऊँगा, हमारी मुलाकात जो है वो छत पे होती है। मैं छत से होके आया, तो हम छत पे आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने फोन किया और वो अभी कहीं और हैं, इसलिए हमको हॉटस्पॉट नहीं मिल पाएगा। और हमने फोन करके बता दिया है, जो आपको पसंद हो वही ले लीजिए, क्या कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा इंसान है जो कि बिना इंटरनेट के रह रहा है, बड़ी ही अजीब बात है। और जबकि मैंने व्लॉग भी डालना स्टार्ट कर दिया, मतलब अभी तो वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग डालूंगा फिर इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे कि अब्बू हमारे हैं, हमारी बहन है एक, तो दोनों के ही फोन में इंटरनेट है, तो ज़्यादा ज़रूरत हमको सच बताऊँ तो पड़ती है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। देखो, मैं कभी भी बिना इंटरनेट के नहीं रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने अपने फ़ोन में कब रिचार्ज नहीं करवाया था। तो मेरे फ़ोन में हमेशा इंटरनेट का रिचार्ज होता है, पर इस बार मैंने ये सोचा कि चलो कुछ समय मैं ट्राई करूं कि मैं कितना बिना इंटरनेट के रह सकता हूं। तो सच बताऊं तो बहुत ही मुश्किल है, और मुझे इस बात को मतलब ये जब मेरे साथ हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे हुआ। मतलब मैं लगभग 20 दिनों से बिना इंटरनेट के हूं, 20 दिन सोच सकते हो, कोई सोच सकता है 20 दिन बिना इंटरनेट के रहकर बिना इंटरनेट के, नहीं ना। तो मैं खुद नहीं, मुझे लगा था कि मैं 20 दिन तक मेरे फ़ोन में इंटरनेट का रिचार्ज नहीं होगा और मैं 20 दिन तक रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। और एक और चीज़ है, मैं फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इन सब से भी दूर हूँ, ये तीन चीज़ें भी, तीन ही चीज़ों पर हूँ ही मैं, हाँ बस ये तीन चीज़ें, और अब यूट्यूब। तो इन सब चीज़ों से दूर मैं हूँ 20 दिनों से, वाह क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पढ़ना हो गया या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हॉटस्पॉट ले लेता हूँ, वाईफाई ले लेता हूँ अब्बू से, बहन से, ठीक है, तो चल जाता है अपना। पर काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जैसे गेम्स वगैरह, जैसे गेम का अपडेट आ गया तो इतना सारा एमबी नहीं होता है किसी में, जैसे अब वो उनको भी इस्तेमाल करना है तो हम सारा नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर पाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाती हैं। और मैं 20 दिनों से बिना रिचार्ज के हूँ, सोचो भाई सोचो, ठीक है। तो मैं बस मतलब खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ थोड़ा सा, बिना इंटरनेट के हूँ। अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। अरे दरवाजा तो बंद कर दूँ। तो अभी जितने भी फुटेज मैंने रिकॉर्ड किए वो जा रहा हूँ मैं एडिट करने, और सीढ़ियों से आते जाते वक्त मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा अंधेरा है वहाँ पे, तो इसलिए मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। और एक और चीज़, अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार ये कितनी अच्छी से खुल के बोल रहा है, कमरे में रूम में, फिर भी मतलब फैमिली भी होती है रूम में, कोई अभी इस टाइम है ही नहीं घर पे, जैसी मर्जी वैसे बोलूँ, चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, धीरे बोलूँ, जैसा मर्जी वैसे बोलूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी घर पर नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैं अकेले घर पर हूँ और दो बकरियाँ जो पीछे चिल्ला रही हैं। तो अभी हम एडिट करेंगे वीडियो को।
ठीक है, फिर आप लोगों से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बस याद दिला रहा हूँ, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। और अगर जिसको पसंद नहीं आया वो जा सकता है बिना सब्सक्राइब और बिना लाइक किए, लेकिन कमेंट करिए यार, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको अच्छा नहीं लगा, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। अरे 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 अरे, जवाब आपको जवाब चाहिए तो वो जो मैंने क्या बोलते हैं शुरू में पूछा था कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है क्या लिखा हुआ है, तो उसका जवाब ये है कि मतलब मैं ये नहीं बताने वाला था कि क्या लिखा हुआ है, मैं ये बताने वाला था कि कैसे इसको पढ़ना है। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो आप फ़ोन को ना कुछ जैसे आपका ये फ़ोन है, ठीक है, आप इसको ना ऐसे कर लीजिए और सिर्फ एक आँख से देखिए, एक आँख से देखिए और बिल्कुल ही बस ऐसे कर लीजिए, जैसे फ़ोन आपका ऐसे था, आप ऐसे कर लीजिए और आपको बिल्कुल साफ नज़र आएगा कि वो क्या लिखा हुआ है, बस एक आँख आप बंद कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।